हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू ऑल अगेन इन बायोलॉजी क्लासेस और फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एनिमल हजबेंड्री के प्रैक्टिस सेट हमने अपने चैनल पर स्टार्ट किए हुए हैं इससे पहले प्रैक्टिस सेट वन हमने कंप्लीट किया था आज हम सभी के लिए लेकर आए हैं प्रैक्टिस सेट टू और जैसे कि आपने प्रैक्टिस सेट वन में देखा था सभी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं हमारे इन प्रैक्टिस सेट में जो इन सभी एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं तो अपनी स्टडी को प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर जरूर लिखिए फर्स्ट वीडियो में बहुत कम बच्चों ने अपना स्कोर लिखा तो ज़्यादा से ज़्यादा अपना स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कितना आपका आ रहा है आपकी स्किल कितना कह रही है कोई क्लासेस अगर एनिमल हस्बेंड्री पर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं एनिमल हस्बेंड्री के उस टॉपिक पर हम आपको जो है यूट्यूब वीडियो क्लास प्रोवाइड कर देंगे अगर आप सभी में से किसी को भी ऑनलाइन प्रिपरेशन चाहिए एग्रीकल्चर का या बायोलॉजी कंपिटेटिव एग्ज़ाम का तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ओके okay. तो ज़्यादा लेट ना करते हुए आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन प्रैक्टिस सेट का इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि द फैट कंटेंट ऑफ डबल टोन्ड मिल्क डबल टोन्ड मिल्क मीन्स यानी कि जिस मिल्क को दो बार टोंड कर लिया गया हो उसके ऊपर से दो बार क्रीम हटा ली हो ठीक है तो डबल टोन्ड मिल्क में फैट कंटेंट कितना होता है तो राइट right आंसर इसका क्या होगा ऑप्शन है जीरो पॉइंट फाइव परसेंट वन पॉइंट फाइव परसेंट थ्री परसेंट एंड फोर पॉइंट फाइव परसेंट तो आपके अकॉर्डिंग आंसर क्या होगा तो अपना आंसर गेस कीजिए और फ्रेंड्स राइट आंसर जो होगा इसका वो है वन पॉइंट फाइव परसेंट तो फैट कंटेंट जो डबल टोन्ड मिल्क में होता है वो डेढ़ प्रतिशत यानी वन पॉइंट फाइव परसेंट होता है याद रखना डबल टोन्ड मिल्क का फैट कंटेंट वन पॉइंट फाइव परसेंट ओके इसके बाद मिल्क शेयर कंज्यूम्ड फॉर होल मिल्क पर्पज देखो यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि मिल्क शेयर कंज्यूम्ड फॉर होल मिल्क पर्पस इज़ यानी कि पूरे दूध उत्पादन का जो पर्पस है ठीक है उसमें कितना मिल्क कंज्यूम हो जाता है यानी कि जितना भी मिल्क प्रोड्यूस करते हैं उसका कितना जो है पार्ट कंज्यूम होता है तो ऑप्शन है वन पॉइंट वन बाई टू थ्री बाई फोर टू बाई थ्री या वन बाई थ्री तो इसका जो राइट right आंसर है अपना आंसर गैस कीजिए और राइट right आंसर इसका जो होगा वो है वन बाई थ्री वन बाई थ्री राइट आंसर होगा कि टोटल मिल्क प्रोडक्शन का कितना कंज्यूम होता है तो वन बाई थ्री कंज्यूम होता है इसके बाद है हीट इन कैमल इज़ नॉन एज़ ठीक है कैमल में जो गर्मी होती है यानी कि हीट आती है जब वो रिप्रोडक्शन करता है तो उस हीट को क्या कहते हैं याद रखना पॉइंट कि कैमल में जब हीट आती है यानी कि जब वो रिप्रोडक्शन के लिए रेडी रहता है तो उस हीट को क्या कहा जाता है तो थर्ड का होगा ऑप्शन है मुस्त हीट गोला और पाली तो राइट आंसर जो होगा वो है मुस्त तो कैमल के हीट को मुस कहा जाता है ओके okay. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेजर एडवांटेज ऑफ विनिंग इन काओ यानी कि काओ में जो विनिंग होती है जो काओ के काव्स को बछड़ों को दूध पिलाया जाता है उसका मेजर एडवांटेज क्या होता है ओके okay. तो यहाँ पर यह है कि बछड़ों को गाय का दूध क्यों पिलाते हैं उसका एडवांटेज क्या है उसका फ़ायदा क्या है तो फर्स्ट ऑप्शन है टू गेट क्लीन मिल्क ये क्वेश्चन आया हुआ है ठीक है टू गेट क्लीन मिल्क टू गेट स्ट्रॉन्ग काव्स यानी कि अच्छे बछड़ों के लिए टू गेट कंटिन्यूस मिल्क एफिशियंसी ताकि उसमें मिल्क देने की एफ़िशियंसी रहे ठीक है और इंक्रीज मिल्किंग यानी दूध के उत्पादन को बढ़ाने के लिए तो अपना आंसर गेस कीजिए कि बछड़ों को दूध क्यों पिलाया जाता है तो इसका जो राइट right आंसर होगा वो है टू गेट क्लीन मिल्क क्लीन मिल्क लेने के लिए हम काव में विनिंग कराते हैं इसके बाद मोस्ट एक मिनट इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है रिंडर पेस्ट इज कॉज बाय तो डिजीज से क्वेश्चन आने के हंड्रेड परसेंट चांस होते हैं हर एक एग्जाम में कि जो एनिमल डिजीज़ होती है वहाँ से क्वेश्चन आते हैं तो ऑप्शन है रिंडर पेस्ट का बैक्टीरिया वायरस पैरासाइट और माउल्ड तो इनमें से कौन है जो रिंडर पेस्ट करता है तो राइट आंसर इसका जो होगा वो है वायरस तो so, वायरस जो है रिंडर पेस्ट करता है एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन एंड रिलेक्सन हार्मोन एंड सिक्रीटेड फ्रॉम एस्ट्रोजन हार्मोन प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन एंड रिलेक्सिन हार्मोन जो है सिक्रीट होते हैं तो ये किससे सिक्रीट होते हैं ऑप्शन ए ओवेरी ऑप्शन बी एडरनल ऑप्शन सी पिट्यूटरी एंड ऑप्शन डी थाइरय इनमें से कौन एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन और रिलेक्सन हार्मोन सिक्रीट करता है तो so, सिक्स का जो राइट आंसर गैस कीजिए ओके okay, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ओवेरी तो ओवेरी जो है एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रोन रिलैक्सिन हार्मोन को सिक्रिएट करती है थिक हॉर्न्स ब्रॉड डिस्क फोरहेड यानी कि मोटे सींग और चौड़े डिस्क का फॉरहेड चौड़ा माथा और शॉर्ट फेस छोटा मुंह ये किस में होता है तो यहाँ पर जो है जो है गाय की नस्लें बताई गई हैं तो उसके बारे में पूछा गया है कुछ फीचर्स देकर कि ये किस में होता है ऑप्शन है हरियाणा कंक्रेज थारपारकर और नागोरी तो ये चार ब्रीड बताई गई हैं चारों में जो है किसमें ये वाले फीचर्स होते हैं कि छोटे मोटे सिंग और चौड़ा माथा और छोटा मुंह तो ये जो होता है राइट आंसर इसका होगा कंक्रेज कंक्रेज का ये फीचर होता है ओके इसके बाद नेक्स्ट है ओजेनेसिस एंड स्पर्मेटोजेनेसिस आर मेजर फिजियोलॉजिकल एक्शन ठीक है तो याद रखना कि दो प्रोसेस यहाँ पर बताई जाती हैं एक मिनट दो प्रोसेस यहाँ पर बताई गई हैं ओजेनेसिस और स्पर्मेटोजेनेसिस तो ओजेनेसिस और स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होता है ओजेनेसिस तो होती है फीमेल के अंदर यानी कि ये फीमेल के अंदर होने वाली प्रोसेस है, मादा में होती है तो इसमें क्या होता है ओवम यानी एग का फॉर्मेशन होता है तो ओजेनेसिस में एग का फॉर्मेशन होता है और ये स्पर्मेटोजेनेसिस तो है स्पर्मेटोजेनेसिस मेल में होती है और इसमें स्पर्म का फॉर्मेशन होता है ठीक है पॉइंट याद रखना स्पर्म का फॉर्मेशन स्पर्मेटोजेनेसिस के द्वारा होता है जो मेल में होता है और ओजेनेसिस एग का फॉर्मेशन करती है जो फीमेल में होता है तो इन्होंने पूछा है कि कौन सा जो हार्मोन है ठीक है कौन सा हार्मोन है जो ओजेनेसिस और स्पर्मेटोजेनेसिस को करता है तो यहाँ पर इन्होंने कहा कौन सा हार्मोन है ऑप्शन है थायरोट्रोपिन प्रोलैक्टिन फॉलिकल स्टमुलेटिंग हारमोन एंड ऑक्सीटोसिन तो इसका आंसर गेस कीजिए कि ओ जेनेसिस परमेटोजेनेसिस तो कौन सा हारमोन कर सकता है तो राइट आंसर जो इसका होगा वो है एफ एस एच हारमोन इसे शॉर्ट में एफ एस एच हारमोन भी कहते हैं फॉलिकल स्टमुलेटिंग हारमोन और ये एफ एस एच हारमोन जो है ये पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो ब्रेन में प्रजेंट रहती है और हमारे बॉडी की एनिमल बॉडी की इसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं द नंबर ऑफ़ प्री मोलर टिथ इन कैटल कैटल में प्री मोलर टिथ कितने होते हैं सिक्स एट टेन या ट्वेल्व प्री मोलर टिथ कैटल में कितने होते हैं सिक्स एट टेन या ट्वेल्व तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ट्वेल्व ओके लाइफ स्पैन ऑफ कैटल कैटल का लाइफ स्पैन कितना होता है टेन टू फिफ्टीन ईयर फिफ्टीन टू ट्वेंटी या ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव या ट्वेंटी फाइव से थर्टी जो गाय होती है उसका जीवन काल कितना होता है तो इसका जो राइट आंसर होगा टेन का वो है ऑप्शन सी बीस से पच्चीस साल गाय की जो गाय है उसकी एज होती है उंगोल इज़ ए ब्रीड ऑफ तो उंगोल ब्रीड किसकी है काओ की बफेलो की गॉट की या शिप की उंगोल जो नस्ल है वो किसकी नस्ल है तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है काउ ब्रीड तो अंगोल जो है वो ब्रीड है काउ नेक्स्ट क्वेश्चन ट्वेल्व काउ मिल्क इज प्रोटीन इज कॉल्ड एज काउ मिल्क के प्रोटीन को क्या कहा जाता है ऑप्शन है जीन लेक्टो एल्बुमिन केसिन और एल्बुमिन तो इसका जो राइट right आंसर होगा ट्वेल्व का वो होगा सी कैसीन ठीक है यहाँ पर सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एनिमल हजबेंड्री प्रैक्टिस सेट टू में चल रहे हैं मोरक्को लेदर तो ये भी इम्पोर्टेंट है मोरक्को लेदर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम स्किन ऑफ किसकी स्किन से मोरक्को लेदर बनाई जाती है ऑप्शन है कैमल हॉर्स शिप और गोट मोरक्को लेदर जो है वो किसकी स्किन से बनाई जाती है ऑप्शन गैस कीजिए और फ्रेंड्स जो राइट right आंसर है मोरक्को जो लेदर का वो गोट है तो गोट की स्किन से यानी बकरी की खाल से मोरक्को लेदर बनाई जाती है मैक्सिमम प्रोड्यूसर ऑफ वूल ऊल का उत्पादन करने वाला मैक्सिमम प्रोड्यूसर कौन सा स्टेट है राजस्थान हरियाणा यूपी और पंजाब आंसर गैस कीजिए और कॉमन सेंस लगा के आंसर दीजिएगा कि वूल का जो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कौन कर सकता है जहाँ सबसे ज़्यादा भीड़ होगी वहीं पर वूल होगा तो राइट right ऑप्शन है इसका राजस्थान ओके इसके बाद है एवरेज पीरियड ऑफ लैक्टेशन इन बुफेलो बुफेलो का एवरेज पीरियड लैक्टेशन कितना होता है यानि कि जो इसका दुग्ध श्रावण का जो औसत काल है दूध देने का औसत काल है वो कितना होता है 145, 175, 281 और 332 तो इन डेज़ में से कौन सा एवरेज होता है तो याद रखना एवरेज होता है 281 गाय सॉरी जो भैंस का जो दुग्ध काल होता है वो दो सौ इक्यासी दिन का होता है टोडा इज ए ब्रीड ऑफ बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में टोडा किसकी ब्रीड है सील गॉट कैटल बुफेलो तो याद रखना टोडा जो ब्रीड है आपका आंसर गैस कीजिए टोडा जो ब्रीड है वो ब्रीड है बुफेलो का ओके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इसके बाद पनीर क्या है कंसनट्रेटेड मिल्क प्रोडक्ट फर्मेंटेड मिल्क प्रोडक्ट कॉगुलेटेड मिल्क प्रोडक्ट और ड्राइड मिल्क प्रोडक्ट ठीक है कंसनट्रेट मतलब एक तरह से कंसनट्रेट हुआ हुआ ओके फर्मेंटेड मिल्क प्रोडक्ट एक तरह से फर्मेंट हुआ हुआ और कोगुलेटेड मिल्क प्रोडक्ट एक तरह से जो कोगुलेशन यानी कि एक दूसरे के साथ कोगुलेट होकर बना हुआ और ड्राइड मतलब सूखा तो पनीर जो है वो आपने देखा होगा जब मिल्क कोगुलेट होता है जब मिल्क जमता है तब जाकर पनीर बनता है तो राइट right आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी कॉग्युलेटेड मिल्क प्रोडक्ट यानी कि दूध जमता है तो पनीर बनता है ठीक है मिथाइलिन ब्लू रिडक्शन टेस्ट एम बी आर टी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये यहां पर है एम बी आर टी जो है कंडक्टेड टू नो द एफिशंसी ऑफ तो यहां पर हमने ऑप्शन भी इसमें दिखाया हुआ है एक मिनट तो एम बी आर टी जो टेस्ट है वो किसके लिए लगाया जाता है मिथाइलिन ब्लू रिडक्शन टेस्ट तो पास्चुराइज मिल्क के लिए एम बी आर टी टेस्ट लगाया जाता है ओके बफर वैल्यू ऑफ़ मिल्क इज़ ड्यू टू तो मिल्क में जो बफर वैल्यू होती है वो किसकी वजह से होती है बफर वैल्यू तो आज आपको सीखना है कि हर एक में जो बफर वैल्यू होती है उसे कौन सेट करता है तो यहाँ पर मिल्क की पूछी गई है ऑप्शन प्रोटीन फैट लिपिड और कार्बोहाइड्रेट तो बफर वैल्यू को सेट करता है ऑप्शन गैस कीजिए मिल्क की बफर वैल्यू को सेट कौन करता है तो फ्रेंड्स जो राइट right आंसर होगा वो होगा प्रोटीन तो प्रोटीन जो है वो मिल्क की बफर वैल्यू को सेट करता है और लास्ट क्वेश्चन है एवरेज फर्टाइल लाइफ ऑन ऑफ एन एग एक एग की एवरेज फर्टाइल लाइफ कितनी होती है ऑप्शन है बारह से चौबीस घंटे एक से दो दिन तीन से चार दिन या बारह दिन तो यहाँ पर जो राइट right आंसर होगा बारह से चौबीस घंटे एक एग की एवरेज फर्टाइल लाइफ होती है तो फ्रेंड्स आज का ये हमारा ट्वेंटी क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट था सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने इस प्रैक्टिस सेट में इंक्लूड किया है और हम आपको इसके नाइन टू टेन प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराएंगे तो कैसा लगा आपको आज का सेट कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ कितना स्कोर आपने किया कोई डाउट है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस और प्रैक्टिस सेट हम आपको प्रोवाइड कर सकें तो बायोलॉजी क्लासेस ने एक स्मॉल से प्लेटफॉर्म पर आपको एक बेटर जो कंटेंट है वो प्रोवाइड करने की कोशिश की है अगर आपको अच्छा लगता है हमारे चैनल पर वीडियो क्लासेस तो चैनल को सपोर्ट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा ताकि आने वाले टाइम में हम आपको और भी बेहतर वीडियो कंटेंट प्रोवाइड करा सकें ओके फ्रेंड्स तो सपोर्ट बायोलॉजी क्लासेस एंड लाइक बायोलॉजी क्लासेस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर